मॉर्निंग माई ड्यूटी फैमिली, दिस इज माई फर्स्ट लाइव ऑन इंस्टाग्राम. जनरली मैं अपने लाइव फेसबुक पर करती हूँ, एंड मुझे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ डिस्कस करना है कि ऐसी एक क्या हैबिट है जो इज कोर ऑफ पलक मिड्डा, यू नो, कोर ऑफ बींग. इन केस यू सी मी कि शी इज इन गुड हेल्थ, शी इज प्रॉस्परिंग, मेरी कोर हेल्थ क्यों, कोर आदत क्या है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, एंड अगर हो सके आप उसको अपनी लाइफ में इंटीग्रेट कर लेना, दैट इज जनरलिंग. आज मैं तीन, आज नहीं, पिछले 15 साल से बिना अलार्म के मैं 3:50 पे उठ जाती हूँ, ठीक है. एंड पहली चीज़ मैं क्या करती हूँ, मेडिटेशन, प्रेयर्स, एंड उसके बाद आई डू जनरलिंग. जनरलिंग क्या होती है, मैं लिखती हूँ कि मेरी जिंदगी के डिसीजंस कैसे होंगे. लोग ना अक्सर मेरे फैमिली मेम्बर्स दे ऑलवेज से वन थिंग, पलक यू आर बहुत स्टबन, मेरे पापा का फेवरेट डायलॉग है, बहुत ढीठ है, इसको आप इसके डिसीजन से हटा नहीं सकते हो. तो मैं हमेशा पापा से एक ही चीज़ पूछती हूँ कि जो डिसीजन आप ले रहे हो मेरे लिए या मुझे कुछ एडवाइस कर रहे हो, उस डिसीजन के बारे में आपने कितनी देर सोचा है, मे बी 15 मिनट सोचा है या 15 बार सोचा है. मैंने 3 घंटे इसको जनरल किया है, यू नो. एंड एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे दुबई के अंदर मेरा जो सारा फ्रेंड सर्कल है जिनको मैं जानती थी वो सब जर्मनी में छूट गए हैं, ठीक है. तो दुबई के अंदर थोड़ा सा अकेलापन है, तो अब मुझे मेरे फ्रेंड्स क्या कह रहे हैं, जो मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स बनाई हैं 2-3 ही हैं अभी, कि पालक सैटरडे नाइट को पार्टी किया कर एंड यू गोना मेक मोर फ्रेंड्स, ठीक है. सो मैंने अभी डिसीजन लेना है, अब मेरी ज़िंदगी का डिसीजन है कि मैंने सैटरडे नाइट को पार्टी करनी है या नहीं करनी है. तो मैंने क्या किया, एक ये डिसीजन है दिमाग के अंदर खटकता जा रहा है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट होता जा रहा है कि पालक यू वांट अ पार्टी, यू डोंट वांट अ पार्टी, यू पार्टी डोंट वांट अ पार्टी. जब तक ये डिसीजन का मैं, जब तक इस अप्रोच का मैं डिसीजन नहीं ले लेती, मेरा बार बार थॉट प्रोसेस वहाँ जा रहा है. सो आई हैव टू बी क्लियर. तो मैंने एक पेपर लिया, मैंने लिखा मतलब ना कैसे मैं डिसीजन लेती हूँ, पार्टी येस और नो. वहाँ पर मैंने लिखा कि पार्टी क्यों करनी है, इसलिए करनी है क्योंकि अकेलापन मिटाना है. एंड अकेलापन जिंदगी में मैं कभी पास्ट में अकेली हुई हूँ, यस, जब मैं जर्मनी गई थी, जर्मनी के अंदर विद इन सम टाइम मैं अपने हस्बैंड से अलग रहने लग गई थी एक और शहर के अंदर जाके, बिकॉज जहाँ पे मेरे हस्बैंड वर्क करते थे वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं थी ज़्यादा, राइट. एंड तब मैं कैसे अकेलापन दूर करती थी, जो मुझे खुशी देती थी, तब मैं गाइस क्या करती थी, मैं जॉब करती थी 5 बजे तक तो हम बिजी रहते हैं. उसके बाद मैं एक रिफ्यूजीज के लिए काम करती थी, अफगानिस्तान से, सीरिया से बहुत सारे रिफ्यूजीज जर्मनी में आए थे, मैं उनके साथ काम करती थी 5 से 7. एनीवेज अब क्या है, 4 बजे तक ऑफिस का काम करो, 4 से 6-7 बजे तक सोफी के साथ रहो 4-5 घंटे. तो बात बची, वीकडेज पे तो काम चल रहा है, वीकेंड पे क्या करना है, वीकेंड पे सेवा शुरू करनी है. सो व्हेन होल वर्ल्ड इज सजेस्टिंग मी पलक गो पार्टी, आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉर ऑर्गेनाइजेशंस टू डू सेवा. बिकॉज जब मैं न्यूनबर्ग गई थी जर्मनी में, तो मेरे फ्रेंड्स मेरे को एक्चुअली पार्टी लेके गए थे एंड आई डिड नॉट एंजॉय. आई एम नॉट सेइंग कि आप, अब लोग कहाँ कन्फ्यूज होते हैं, लोग जिंदगी में राउंड 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 क्यों घूम रहे हैं, वो ये देखते हैं कि उनको सामने वाला क्या एडवाइस कर रहा है, वो ये देखते हैं कि इंस्टाग्राम के ऊपर क्या है, अरे वो लड़की ये कर रही है, मुझे ये करना है. अरे आप ये देखो कि जब जो लड़की वो कर रही है इन्फ्लुएंसर, वो करने से आपको आपका पर्पस सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है. एग्जांपल, जब मुझे ये डिसीजन लेना था कि मुझे जॉब में रहना है या बिजनेस में रहना है, तो मैंने जनरल किया कि यार मैं ढूंढ क्या रही हूँ, मैं ढूंढ ये रही हूँ अपनी ज़िंदगी में, फ्रीडम ढूंढ रही हूँ, एंड जॉब मुझे फ्रीडम नहीं दे रही है और मेरी ग्रोथ स्लो कर रही है. यू नो, मैं बहुत जल्दी आगे बढ़ना चाहती थी एंड मेरे बॉस ये कहते थे कि घर पर आकर. सो जिंदगी में जो सामने वाले के लिए काम कर रहा है, ज़रूरी नहीं है वो आपके लिए काम करे. आपको अपना वाई ढूंढना है, मेरा वाई क्या है, कि क्यों मुझे ये काम करना है. अब मेरी फ्रेंड है, सो माई फ्रेंड वॉज टेलिंग मी, पलक तू भजन और कीर्तन पे आया कर, इससे वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं उस रूम की एंड यू विल फील एलिवेटेड. मैं वो लड़की नहीं हूँ जो भजन एंड कीर्तन पे जाऊँ, बट मैं जाके ज़रूर देखूँगी एक बार कि मुझे कैसा फील होता है. एंड अगर मुझे ठीक फील होगा, ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले को ठीक फील हो रहा है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज़, ट्राई टू फाइंड योर वाई गाइज.
तब डिसीजन लेना, नहीं तो इंस्टाग्राम सोशल मीडिया इतना कनेक्टेड वर्ल्ड है, कभी राइट जाओगे कभी लेफ्ट जाओगे, कभी राइट जाओगे कभी लेफ्ट जाओगे. यू नो दुनिया में लोग कितने भी कंफर्टेबल, आपने देखा ना जिम के अंदर आजकल जिम वेयर में क्या है, आप नीचे टाइट लेगिंग्स पहनते हो, ऊपर मैचिंग टॉप्स डालते हो. एंड मैंने ये देखा कि मेरे लिए स्टाइल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंफर्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो आई एम मोर ऑफ अ कंफर्ट पर्सन. मेरे जिम के अंदर मैं अकेली लड़की हूँ क्योंकि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा है. सो लेट्स से अगर मेरे जिम के अंदर 100 लड़कियाँ एक बार आती हैं, आई थिंक इट्स अ वेरी बिग जिम, इट्स अ वेरी बिग कम्युनिटी. आई एम द ओनली गर्ल हु इज वेयरिंग लूज लोअर्स बिकॉज आई फील मोर कम्फर्टेबल. एंड मेरे लिए कम्फर्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्टाइल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? अगर मेरे लिए स्टाइल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन आई गो फॉर स्टाइलिंग क्लोथिंग, बट आई एम मोर ऑफ अ कम्फर्ट पर्सन. सो यू शुड नो हु यू आर, नंबर वन. नंबर टू, फाइंड योर वाई. एंड जनरल गाइज, तो लोग ये अगर आपको ये बोलते हैं कि ये बहुत ज़िद्दी लड़की है, शी इज़ अ वेरी स्टबर्न गर्ल एंड ये कभी किसी की बात नहीं मानती है, द रीज़न इज़ उन्होंने आपके लिए जो डिसीजन ले रहे हैं वो शायद कुछ घंटों के लिए. एंड एक बार आपने डिसीजन ले लिया, एक बार आप उस रास्ते पे चल पड़े, फिर वापस नहीं मुड़ना है क्योंकि उस डिसीजन पे पहुंचने के लिए आपको घंटों लग गए. यू नो घंटों आपने जनरल किया. सो ऐसे ही मुझे मेरी लाइफ के अंदर जो दिन के अंदर मुझे चीज़ एग्जाम्पल है, मैं एक बास्केटबॉल प्लेयर थी. वन मोर एग्जाम्पल, मैं बहुत मतलब मैं बास्केटबॉल खेलती थी, वॉलीबॉल खेलती थी मैं. आई यूज़ टू बी इन लॉट ऑफ ओलंपिक गेम्स टू. सो टाइप उस टाइम पे हमारे सिटी ओलंपिक होता था एंड मैं उन सब, आई वॉज अ वेरी स्पोर्टी पर्सन. ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगता कि मेरी बेटी स्पोर्टी होती, बट मेरी बेटी इज़ मोर ऑफ अ म्यूज़िक पर्सन, म्यूज़िक एंड आर्ट पर्सन. ठीक है, मेरा मन करता है कि वो स्पोर्ट्स खेले, बट मैंने देखा कि जब वो म्यूज़िक करती है देन शी इज़ अ डिफरेंट सोल, राइट. सो जब मैं दुबई आई और मेरी फ्रेंड्स ने कहा कि हम अपने बच्चों को इस गेम में भेजते हैं, इस गेम में भेजते हैं, मैंने देखा कि मेरी बेटी को ये सब नहीं पसंद है. सो इवन मेरी फ्रेंड्स बोल भी दें यार पलक सोफी ज़्यादा कोई स्पोर्ट नहीं करती है, आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट मोस्ट ऑफ द एनर्जीज वॉट शी इज़ गुड एट और उसको वहाँ एक्सेल करना है. मैं क्या सोचती हूँ उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं क्या चाहती हूँ उससे फ़र्क नहीं पड़ता. सोफ़ी इज़ अ डिफरेंट सोल, मेरी बेटी इज़ अ डिफरेंट सोल और उसके डिफरेंट इंटरेस्ट हैं और उस हिसाब से. सो गाइज स्टार्ट जनरलिंग. जनरलिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप लाइफ में कभी भी गोल गोल नहीं घूमोगे. आप ये देखोगे कि पिछले साल से आप इस साल कहाँ खड़े हुए हो. यू नो आप एज आपकी बॉडी, आपने कितना, मुझे बताओ पिछले 3-4 साल में आपने कितना वेट लॉस किया है. बैक फ्रो, मोस्ट ऑफ द पीपल आर बैक फ्रो. जिन लोगों ने मेरे साथ वेट लॉस किया है उन्होंने मुझे सोशल मीडिया पे ढूंढा उसके बाद, क्योंकि सोशल मीडिया इतना कंफ्यूजिंग है. पलक कहती है घी खाओ, पलक कहती है बटर खाओ, दूसरा इंसान कहता है लो फैट खाओ, एक इंसान आपको ये कहता है कि फास्टिंग करो, दूसरा इंसान कहता है फास्टिंग मत करो. सो होता क्या है, हम लोग 8 मिनट के वीडियो के अंदर इतना कुछ नहीं बता सकते हैं, तो हम एक पीस ऑफ कॉन्टेंट देते हैं. अगर आप मेरे को बार 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 फॉलो करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इस पूरा क्या समझाना चाह रही है. फॉर एग्जाम्पल हर चीज़ के अफेक्ट्स एंड साइड इफेक्ट्स होते हैं. तो जो लोगों ने मेरे साथ सच में वेट लॉस किया है उन लोगों ने फिर मुझ पर पूरा सरेंडर कर दिया. यू नो कि मैं जो पलक बोलती है, पलक जो बोलती है मुझे उस पर भरोसा है और मैं उस पर सरेंडर करूँगी. एंड जो लोग हमारे साथ सक्सेसफुल नहीं हुए हैं ये वो लोग हैं जो लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट. एग्जाम्पल एक इन्फ्लुएंसर है, वो कह रही है रोज़ सनस्क्रीन लगाओ, दिन में 6 बार सनस्क्रीन लगाओ. एक इन्फ्लुएंसर ये कह रही है कि सनस्क्रीन अगर इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है. आप कन्फ्यूज़ हो गए. नाउ द रीज़न इज़ आपने उनको, उन दोनों इन्फ्लुएंसर्स को कितने साल से जानते हो. हो सकता है जो इन्फ्लुएंसर ये कह रही है कि दिन में एक बार सनस्क्रीन लगाने से भी चलेगा, हो सकता है वो बाहर रहती हो सकता है कि उसकी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स आपका इंटरनल वो करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, आपको पिगमेंटेशन नहीं देते हैं, उसमें ज़्यादा सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं पड़ती है. हो सकता है उस इन्फ्लुएंसर की शादी नहीं हुई है, बच्चा नहीं है, लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं है. तो आप कैसे, किस बेसिस पे, इट्स अ वेरी डेंजरस प्लेस टू बी इन दिस इन्फ्लुएंसर पे थिंग. जिस इन्फ्लुएंसर के साथ जुड़े हो उसके साथ एटलीस्ट 4-5 साल जुड़ो, फिर उसकी बातें माननी शुरू करो.
एंड तब आपको रिजल्ट दिखेगा कि हाँ यार इस बंदी को पता है ये क्या बोल रही है. क्योंकि फॉर एग्जांपल आज से एक साल बाद मेरा टारगेट है हर वुमेन का मैं वेट लॉस करवा दूंगी फ्री के अंदर. मैं इतने एक्सपेरिमेंट्स कर रही हूँ, इतने एक्सपेरिमेंट्स कर रही हूँ जब से मैं दुबई आई हूँ. एंड न्यूटन भी तो इतनी बार फेल हुए थे. आई एम फेलिंग, गेनिंग वेट, लूजिंग वेट, गेनिंग वेट, लूजिंग वेट. जब अभी आई एम एट 57 kgs, आई स्टार्टेड विद 61, दुबई आते ही मैं 61-62 की हो गई थी. 57 kgs जब मेरा 54 हो जाएगा, 54-53, तब मैं सोशल मीडिया के ऊपर आके आप लोगों को बताऊंगी कि वेट लॉस कैसे करना है फ्री के अंदर. सो जिस भी इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर रहे हो, देर तक करो. जो डिसीजन ले लिया फिर उस डिसीजन पे चलो, यू नो, फॉलो दैट डिसीजन. एंड देखना, आप जिंदगी में आपको कोई गोल 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 नहीं घुमा सकता. एग्जाम्पल, माई फ्रेंड सेज पलक, हाय इट्स सैटरडे नाइट, मुझे नींद नहीं आ रही है, सैटरडे नाइट है, मुझे नींद नहीं आ रही है. जनरली मैं सोफी के साथ ही 9-9:30 सो जाती हूँ. एंड सैटरडे नाइट्स सोफी क्रिस्टी के साथ सोती है, सोफी का बेडरूम है. एंड सैटरडे नाइट तो मेरे सारे फ्रेंड्स मुझे फ़ोन कर दें. मेरे पास एक ये होता है कि घर पे बैठ के किताब पढ़नी है या पार्टी करनी है. तो अगर आपको पार्टी करने में मज़ा आता है, पार्टी करो यार. अगर आपको किताब पढ़ने में मज़ा आता है, किताब पढ़ो. बट वो करो जो अपने आप को जानो. मैं कौन हूँ? मैं किसी इन्फ्लुएंसर को फॉलो नहीं करूँगी. मैं उनसे सिर्फ नॉलेज लूँगी एंड देखूँगी वो मेरी लाइफ में कैसे अप्लाई होती है. ठीक है? सो मैं लोगों को कहती हूँ कि मॉर्निंग में इंटरमिटेंट फास्टिंग करो. बट मेरी खुद की लाइफ में इंटरमिटेंट फास्टिंग वर्क नहीं करती है मॉर्निंग के टाइम्स पे. क्योंकि मेरा क्या है, थोड़ा स्ट्रेस लाइफस्टाइल है. लाइक रनिंग अ कंपनी, आई एम बिल्डिंग ब्यूटी ब्रांड, आई हैव स्टार्टेड प्रॉपर्टी बिजनेस इन दुबई. जर्मनी में हमारी बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी जो मैंने और मेरे हस्बैंड ने साथ में ली थी. एक एक प्रॉपर्टी डिस्पोज करके हम यहाँ पे ले रहे हैं. हाँ, तो माय ड्यूटी है सब, ये सब काम कर रहे हैं हम लोग, राइट? तो मेरा जो लाइफस्टाइल है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाला है. एंड फास्टिंग एंड हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज इज मोर स्ट्रेस. एंड स्ट्रेस प्लस स्ट्रेस इज बैड स्किन, बैड हेयर, बैड नेल्स. सो व्हाट आई डू इज, मैं फास्टिंग ज़रूर करती हूँ. एवरी सिंगल डे नहीं, 5 दिन हफ्ते में करती हूँ. बट मैं रात के टाइम नहीं खाती हूँ. दिन के टाइम, मॉर्निंग के टाइम, जहाँ पे मेरा पूरा इनबॉक्स, मैं जैसे ही अपना मॉर्निंग में फ़ोन ऑन करती हूँ अपनी मेडिटेशन के बाद, देर आर 30 पीपल वेटिंग फॉर माई अप्रूवल्स कि मैम इसका अप्रूवल दो, आगे बढ़े. वो नहीं मैं अप्रूव दूंगी, वो चीज़ आगे नहीं बढ़ेगी. सो द वे माई लाइफ स्टाइल इज जनरलिंग हेल्प्स मी अ लॉट. सारी दुनिया ने पॉडकास्ट शुरू कर दिया, सारे बिजनेस ओनर्स ने पॉडकास्ट शुरू कर दिया. प्रणव मुझे कहता है कि दीदी पॉडकास्ट शुरू कर. अब क्या है, ये डिसीजन लेना है. एक बार मैंने पॉडकास्ट शुरू कर दिया तो मैं अगले 10 साल तक पॉडकास्ट बना रही हूँ. तो मैं कैसे जनरल करती हूँ, मैं ये शुरू करती हूँ, एक पॉडकास्ट करना है. हाँ, इससे फ़ायदा क्या होगा, पलक तेरी नॉलेज और बढ़ेगी. ओके, बट नॉलेज तो बुक से भी बढ़ सकती है. पॉडकास्ट करने से ले क्या रहा है, तैयार होना है, स्टूडियो जाना है. मतलब दिन के 1.5 घंटा उधर, 1.5 घंटा वापस आना है. दिन के 3 घंटे, पलक दिन के 3 घंटे हैं तेरे पास. मतलब अगर मैं वो पॉडकास्ट शुरू करती हूँ, मतलब सोफ़ी के साथ जो मैं इवनिंग में, मैं और सोफ़ी इवनिंग में खेलते हैं साथ में, वो देखो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. एंड ये सारे सैक्रिफाइसेस के लिए तू रेडी है? मैं नहीं रेडी हूँ प्रणव. मैं पॉडकास्ट करूँगी बट इस टाइम पे नहीं. मतलब मुझे कुछ ना कुछ लाइफ से ड्रॉप करना है, कुछ ऐड करने के लिए. तो कुछ टाइम के अंदर जो चीज़ें मैं अभी कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग अ बुक, मेरी बुक बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी, तब शायद मैं पॉडकास्ट कर सकती हूँ. अभी मैं नहीं कर सकती. सो प्लीज़ गाइज, जनरल इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. अदरवाइज आप जिंदगी की बहुत ब्यूटिफुल चीज़ें खोते जाओगे कि यार वो खो दिया, ये अपॉर्चुनिटी खो दी, वो अपॉर्चुनिटी खो दी, ये दोस्त खो दिया, वो खो दिया, यार ये डिसीजन नहीं लेना था, ये डिसीजन गलत हो गया, इससे मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, इससे मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा है. जनरल, ओके?